हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे अमेरिका का संविधान, जिसमें हमने अमेरिका के संविधान की 12 विशेषताएं पढ़ ली थी। तो अमेरिका का संविधान विश्व का प्रथम लिखित प्रजातांत्रिक संविधानों में से एक है, तो उसकी विशेषताएं भी ढेर सारी हैं। तो उसमें से हमने 12 विशेषताएं पढ़ ली और आज हम पढ़ेंगे 13 से 20 विशेषताओं का। तो जब हम 13वीं विशेषता की बात करते हैं तो वो है मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। जिस प्रकार से प्रत्येक राष्ट्र अपने नागरिकों को बहुत सारे मौलिक अधिकार देता है, जैसे हम भारत की बात करते हैं तो भारत में पहले सात मौलिक अधिकार थे और वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं, उसी प्रकार अमेरिका में भी मौलिक अधिकारों की व्यवस्था है। और वो मौलिक अधिकार पहले तो संविधान निर्माता सभा उनको लिखना ही भूल गई थी 1787 ईस्वी में। बाद में तुरंत बाद ही 10 संविधानिक संशोधनों के द्वारा अमेरिका में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई। इसका अर्थ ये हुआ कि पहले 10 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान की जब हम बात करते हैं तो धीरे धीरे इन मौलिक अधिकारों की संख्या बढ़ती चली गई और वो मौलिक अधिकार अब 15 उनकी संख्या हो गई है। यानी अमेरिका में मौलिक अधिकार बहुत सारे हैं और भारत से कहीं ज़्यादा छूट अमेरिका में मिली हुई है वहाँ के नागरिकों को। तो मौलिक अधिकारों की व्याख्या वहाँ पर विशिष्ट रूप से की गई है। अमेरिका में पहले 10 मौलिक अधिकार थे जिन्हें संविधान निर्माण के तुरंत बाद संशोधन करके प्रदान किए गए थे, लेकिन वर्तमान में अमेरिका में 15 मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है जो वहाँ के नागरिकों के लिए एक वरदान के समान है कि वहाँ पर इतने अधिक मौलिक अधिकारों से नागरिकों को नवाजा गया है और वो उनके लिए एक शुभकामना के साथ साथ एक बड़ा पुरस्कार तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत बड़ा अधिकार के रूप में वहाँ पर मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अगली विशेषता की हम बात करते हैं तो है दोहरी नागरिकता। जैसे भारत में इकहरी नागरिकता है, इकहरी नागरिकता का अर्थ ये होता है कि हम भारत के किसी भी कोने में रहें हम सब क्या कहलाएंगे, भारतीय। हमारी नागरिकता क्या है, भारतीय। लेकिन अमेरिका एक विस्तृत राष्ट्र है और विस्तृत राष्ट्र होने की वजह से वहाँ पर दोहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है। हमने पढ़ा था कि ये क्षेत्रफल के हिसाब से भी काफी बड़ा राष्ट्र है, तो इसीलिए वहाँ पे दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। पहली जो राष्ट्रीयता है वही अमेरिकी नागरिक होने की राष्ट्रीयता और दूसरी राष्ट्रीयता राज्यों की राष्ट्रीयता है कि वो किस राज्य में रह रहा है। तो इस प्रकार से दोहरी नागरिकता की अमेरिका में व्यवस्था है। अगली विशेषता है व्यक्तिवादी दर्शन पर आधारित। व्यक्तिवाद क्या होता है, इसे हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। व्यक्तिवाद का सामान्य अर्थ होता है कि राज्य से ज्यादा व्यक्ति महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य का निर्माण व्यक्तियों ने किया, समाज का निर्माण व्यक्तियों ने किया, शासन व्यवस्था कौन चला रहा है, व्यक्ति चला रहे हैं, किसके ऊपर ये लागू हो रहा है, व्यक्ति के ऊपर हो रहा है। तो हर कार्य में, चाहे वो राजनीतिक संस्था हो, चाहे से वो राजनीतिक निर्णय हो, चाहे से वो आधुनिकता की बात, तो चाहे से बात आधुनिकता की हो, अमेरिका में प्रत्येक कार्य व्यक्ति के लिए ही समर्पित है। यानी व्यक्ति को राज्य से बहुत अधिक महत्वता दी गई है। तो जितने भी कार्य होते हैं उसमें राज्य उदार बनकर लोक कल्याणकारी कार्य के साथ साथ व्यक्ति की गरिमा प्रतिष्ठा बनी रहे, ये व्यवस्था भारत में भी है, लेकिन अमेरिका में ये पूरा का पूरा संविधान व्यक्तिवादी दर्शन पर ही आधारित है
और उसी के अकॉर्डिंग वहां पे समस्त कार्य किए जाते हैं। व्यक्ति राज्य से अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए अमेरिकी संविधान निर्मात्री सभा ने व्यक्तिवादी विचारों को संविधान में मुख्य स्थान दिया है। वर्तमान में अमेरिका व्यक्तिगत संपत्ति, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पूर्ण समर्थन करता है और स्वतंत्र आर्थिक नीति को अपनाकर इसीलिए अमेरिका में स्वतंत्र आर्थिक नीति को अपनाता है, इसीलिए अमेरिका में निगम, श्रम व व्यापार आदि में सरकार से अधिक महत्व व्यक्ति को दिया जाता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की वजह से ही समस्त राजनीतिक संस्थाओं में, व्यापार में, श्रम में या अन्य किसी भी कार्यों में सबसे अधिक महत्व सरकार की बजाय किसे के दिया जाता है, व्यक्ति को दिया जाता है। और यही दर्शाता है कि अमेरिका में व्यक्तिवादी दर्शन हावी है और संविधान उसके इर्द गिर्द ही घूमता रहता है, व्यक्ति उसका केंद्र बिंदु रहता है। अगली विशेषता की तरफ चलते हैं, यह है द्विसदनात्मक व्यवस्था। द्विसदनात्मक व्यवस्था का अर्थ होता है कि सदन में, कांग्रेस में संसद के दो सदन हैं। जैसा हमने भारत का संविधान पढ़ा, भारत के संविधान में दो सदन हैं। कौन कौन से आप सब परिचित हैं? लोकसभा और राज्यसभा। फिर हमने ब्रिटेन का संविधान पढ़ा, ब्रिटेन की संसद में भी दो सदन हैं। कौन कौन से? लॉर्ड सभा और कॉमन सभा, हाउस ऑफ कॉमन एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो ये वहां की सभाओं के नाम है। जब हम अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहा जाता है। जैसे भारत में कांग्रेस एक राजनीतिक दल का नाम है, तो अमेरिका के संविधान में वहां की संसद को क्या कहा जाता है? कांग्रेस कहा जाता है। भारत में संसद को पार्लियामेंट या संसद कहा जाता है, ब्रिटेन में भी संसद या पार्लियामेंट ही कहा जाता है, लेकिन अमेरिका में संसद को कांग्रेस कहा जाता है और कांग्रेस के दो सदन हैं। वहां पर भी द्विसदनात्मक व्यवस्था है। पहला जो व्यवस्था है वो है प्रतिनिधि सभा और दूसरा जो सदन है वो है वहां की सीनेट। तो प्रतिनिधि सभा निम्न सदन है और जो सीनेट है वो उच्च सदन होता है। अगली व्यवस्था की बात, हम विशेषता की बात करते हैं तो वो है लूट प्रणाली विद्यमान। लूट प्रणाली विद्यमान, इसका अर्थ क्या होता है कि लूट का अर्थ हमको जैसा लगता है कि कुछ भी चीज लूट ले वहां पे चारों तरफ, चाहे धन संपत्ति है या और भी कुछ चीजें चारों तरफ फैली पड़ी है, जिसको लूटना है वो लूटो, इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है। लूट प्रणाली का अर्थ ये होता है कि हम सब जानते हैं कि अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण क्या होता है वहां पर कि जो राष्ट्रपति है सर्वेसर्वा है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता ही यही है कि राष्ट्रपति ही समस्त निर्णय लेता है और वही देश का प्रधान होता है और समस्त शक्तियों का प्रयोग करता है जो उसे संविधान प्रदत्त होती है। तो राष्ट्रपति का जो व्यवहार रहता है वो इसी रूप में रहता है कि जो जो उच्च पद है, जिनसे उसका संबंध रहता है, वो उन समस्त पदों पर अपने ही दल के या अपने ही विश्वसनीय लोगों की नियुक्ति करता है, जिससे उसका पद व उसके चहेता जो भी चहेते हैं उनका पद, दोनों का पद सलामत रहे। और इसी प्रणाली को अमेरिका में लूट प्रणाली विद्यमान की व्यवस्था कहा जाता है। अमेरिकी इतिहास से ज्ञात होता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति उच्च सरकारी पदों पर वे लाभकारी पदों पर अपने ही समर्थकों की नियुक्ति करता है, जिससे दोनों के पद सदैव सलामत रहते हैं।
अमेरिका में शासन की इसी प्रणाली को लूट प्रणाली की विद्यमानता कहा जाता है। अगली विशेषता की तरफ हम बढ़ते हैं तो वो है परंपराएं व रूढ़ियां। भारत में भी परंपराओं की कमी नहीं है, रूढ़ियों की कमी नहीं है, और ब्रिटेन तो भारत से भी कहीं आगे है, वहां पर भी ढेरों परंपराएं, रीति रिवाज और बहुत सारी ऐसी रूढ़ियां मौजूद है जो अंधविश्वास को बढ़ाती है। चाहे कितना भी मॉडर्न क्यों ना है वो राष्ट्र, लेकिन परंपराओं और रूढ़ियों से बचा हुआ नहीं है, क्योंकि अलिखित संविधान है, इसलिए परंपराएं और रूढ़ियां अपनी जड़ें जमाए हुए हैं और उन जड़ों को तोड़ना काफी मुश्किल है। हम ब्रिटेन की बात कर रहे हैं ये। अब यदि हम अमेरिका के संविधान की बात करते हैं तो यहाँ पे ऐसी कोई परंपराएं और रूढ़ियां विद्यमान नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें ऐसी है वहां के संविधान में या राजनीतिक व्यवस्थाओं में, ढेर सारी चीजें या नियम कायदे कानून इस प्रकार से चल रहे हैं जो परंपराओं में रूढ़ियों की श्रेणी में आते हैं। इसीलिए अमेरिका के संविधान के साथ भी परंपराओं और रूढ़ियों को जोड़ा जाता है। यूं तो अमेरिका के संविधान में किसी भी परंपरा या रूढ़ी का अपना कोई वर्णन नहीं है, फिर भी संवैधानिक संशोधन, कांग्रेस के कानूनों, प्रशासनिक आदेशों व न्यायिक व्याख्याओं आदि में कई परंपराएं सम्मिलित है जिससे अमेरिका का संविधान समृद्ध होता है। अगली विशेषता है राज्यों के अपने अलग अलग संविधान। हम पढ़ चुके हैं, हम जान चुके हैं कि अमेरिका का जो क्षेत्रफल है वो कई बहुत विस्तृत रूप में फैला हुआ है, और इस फैलाव के कारण केंद्र से शासन व्यवस्था को चलाना थोड़ा मुश्किल नजर आता है। इतना बड़ा क्षेत्रफल और उसका शासन संचालन मात्र एक जगह केंद्रित हो, ऐसा अमेरिका की परिस्थितियां अलाउ नहीं करती है, इसलिए वहां पर अपने एक कानून तो है ही जो पूरे अमेरिका में लागू होते हैं, वो संविधान पूरा अमेरिका का संविधान कहलाता है, और दूसरा राज्यों के अपने अलग अलग संविधान है जो वहां की शासन व्यवस्था, रहन सहन, खान पान, भौगोलिक परिस्थितियां और जो भी रूढ़ियां परंपराएं उसमें शामिल हो सकती है उस राज्य विशेष की वजह से, वो सब उसमें शामिल है। और प्रत्येक राज्य के संविधानों में और केंद्र के संविधानों में पर्याप्त भिन्नता है, तो केंद्र और राज्यों के संविधान में भिन्नता होना स्वाभाविक बात है, लेकिन अलग अलग राज्यों के संविधान होने की वजह से अलग अलग राज्यों के संविधान में भी पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है, और इसीलिए वहां का ये संविधान अपनी विशिष्टता बनाए हुए है। जिस प्रकार अमेरिका में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है, उसी प्रकार सभी राज्यों के संविधान भी वहां अलग अलग है। संविधान पूरा पूरा अमेरिकी नागरिकों के हित में है और पूरे अमेरिका के लिए एक संविधान है, और दूसरा संविधान अपने अपने राज्यों के द्वारा लिखा हुआ है। ये दोनों ही कानून या संविधान, इनमें व्यक्ति की महत्वता और गरिमा को उच्च स्तर पर रखा गया है और नागरिकों के हित में ही समस्त कानूनों का निर्माण किया गया है। सभी राज्यों के संविधान में पर्याप्त भिन्नता है तथा केंद्र और राज्य के संविधान में भी भिन्नता देखी जा सकती है, जो देखते ही समझ में आती है उनकी भिन्नता। अंतिम विशेषता है शक्ति पृथक्करण व नियंत्रण संतुलन सिद्धांत। शक्ति पृथक्करण, शक्तियों का अलग अलग करना,
कौन कौन सी शक्तियां हैं और किस किस में भी अलग की गई हैं, ये अमेरिका के संविधान की विशिष्टता है पूर्ण रूप से, कि शक्तियों का पृथक्करण यानी सरकार की तीनों प्रमुख अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में शक्तियों का पूर्ण रूप से विभाजन किया गया है और सूचियों के माध्यम से, जैसे भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है, शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं होकर विकेंद्रीकरण किया गया है, केंद्र की शक्तियां सूची के माध्यम से केंद्र राज्यों की सूचियों में अलग अलग इसका विषयों का वर्णन किया गया है, जैसे केंद्र सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 60 विषय हैं और संवर्ती सूची में 57 विषय हैं, तो ये 54 विषय हैं, तो ये सारे के सारे जो वर्गीकरण है विषयों के, जिन पे केंद्र सरकार का नियंत्रण है वो अलग विषय है, 100 जो जिनका संबंध केवल राज्यों से है वो विषय अलग है, और 60 और बाकी के जो है, बाकी जो शेष है संवर्ती सूची में, उन पर केंद्र और राज्य दोनों का ही वो रहता है, नियंत्रण रहता है। लेकिन यदि केंद्र और राज्य में कहीं मतभेद की स्थिति उत्पन्न होती है तो फिर केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों को अपनाया जाता है, माना जाता है। तो यहाँ पर तो है, लेकिन अमेरिका में भी शक्तियों को पूर्ण रूप से अलग अलग किया गया है ताकि सरकार का कोई भी अंग दूसरे अंग के कार्यों में हस्तक्षेप न कर सके और न ही किसी अन्य का जो अंग है सरकार का उस अंग में हस्तक्षेप कर सके, ना तो किसी की स्वतंत्रता का हनन करेगा और ना ही वो किसी और कार्य को अपने हिस्से में लेने की कोशिश करेगा। तो ये वहां पर शक्तियों का पृथक्करण पूर्ण रूप से किया गया है। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात है, नियंत्रण व संतुलन सिद्धांत का भी पालन किया गया है कि सरकार के तीनों अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीन महत्वपूर्ण अंग है, जैसे तराजू के दो पलड़े होते हैं और इस तराजू में संविधान के सामने तीन पलड़े हैं और तीनों ही पलड़ों में क्या बना रहना चाहिए, संतुलन, और संतुलन के साथ साथ नियंत्रण भी बना रहना चाहिए कि ये तीनों के तीनों बराबर रहें, कोई कम या कोई ज्यादा महत्वता नहीं रखे। इसीलिए प्रत्येक जो बनाया गया है हमारा सरकार का अंग, वो दूसरे पे पर्याप्त नियंत्रण भी रखता है, उसके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता लेकिन फिर भी उस पे पर्याप्त नियंत्रण बनाए रखकर अपनी महत्वता को बनाए रखता है। तो ये वहां की विशिष्ट पहचान है कि जैसे ही अमेरिका का संविधान हमारे सामने आता है तो सबसे पहली विशेषता शक्ति पृथक्करण व नियंत्रण संतुलन सिद्धांत के रूप में हमारे समक्ष आ जानी चाहिए, कि हमारे दिमाग पर जोर देना है हमको कि जैसे ही ब्रिटेन का नाम आता है तो एकमात्र अलिखित संविधान, जैसे ही अमेरिका का नाम आता है तो शक्ति पृथक्करण और नियंत्रण संतुलन सिद्धांत हमारे जहन में आ जाना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ समाप्त हुई अमेरिका के संविधान की विशेषताएं, जो हमने 20 पॉइंट के माध्यम से पढ़ी है कि अमेरिका का संविधान विशिष्ट विभिन्नताओं और विशेषताओं का संगम है और वहां पर जो संविधान की विशेषताएं हैं वो अपनी अलग पहचान बनाए हुए है।